मेरी जान, अब तक तो अल्लाह का बड़ा करम है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आइंदा भी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं आ रही? क्या अभी तैयार नहीं हुई? तैयार तो है लेकिन वो लिपस्टिक नहीं पहन रही। अच्छा अच्छा। भाई ज़ेबा, माँ जान से कहो कि जल्दी आए, भाभी जान इंतजार कर रही हैं। भाई तारीख रखनी है, और वो मिट्टी को देखो, इतनी देर से मिठाई गिन रहा है। मिठाई के साथ आज बहुत बुरा होगा। बस मैं लेके आती हूँ। बस मिट्टू, 5 मिनट फिर अटैक। वैसे भाभी जान, काश आज अमजद भाई हमारे साथ होते तो कितना अच्छा लगता। जी। अरे कहाँ है मेरी पिंक लिपस्टिक, दिखा मुझे ढूंढ के। माँ जी यहीं रखी है। पागल हो गई है, कहाँ है मेरी पिंक लिपस्टिक? ये रही पिंक लिपस्टिक। अरे अंधी समझा भाई या पागल समझा है मुझे? ये पिंक, अरे ये ब्राउन है, ब्राउन पिंक लिपस्टिक पूछ रही हूँ। बस मुझे पता है, चुरा चुरा के सब अपने घर ले जाती है, मैं सब जानती हूँ। मुझे पागल समझा रहा है? तुम्हारी तरह पार्लरों में जा जाके मुंह काला नहीं किया, सारी जिंदगी खुद मेकअप किया है, अच्छी तरह जानती हूँ कि पिंक शेड कौन सा होता है। बताओ मैं कहाँ है? वो यहीं पर रखी थी। क्या क्या हुआ माँ जान, आप बाहर क्यों नहीं आ रही? अब क्या मसला है आपका? अरे मसला क्या होगा, मेरी पिंक लिपस्टिक नहीं मिल रही। देख पिंक साड़ी पहनी मैंने, इसके साथ मैं ऐसे ब्राउन लिपस्टिक दे रही, कभी ऑरेंज दे रही है। जैसे मैं बीमार पड़ती हूँ समझती है बुढ़िया तो अब आने की नहीं, मर गई जान छूटी। सारा सामान पैक किया, अपने घर पहुँचा दिया, अपनी बहनों के लिए, अपनी अम्मा के लिए, सब ले जा ले जाकर इकट्ठा कर रही है। अब मेरी पिंक लिपस्टिक नहीं मिल रही, वो चुरा ली इसने। अच्छा अच्छा माँ जान, अब देखिएगा पास तो बोले सब नीचे है। मेरी बात सुने, इसके मसले को ना बाद में डिस्कस करें, अभी तो आप बाहर आए, सारे लोग आ गए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपने डेट फाइनल करनी है। अरे कैसे आऊं, पिंक साड़ी के साथ ब्राउन लिपस्टिक दे रही है मुझे, अंधी समझा हुआ इसने। हाँ आप बता कैसे जाऊं? मेरे पास है, मेरे पास पिंक शेड है, मैं लेके आती हूँ। अरे चल लोकल होगा, नहीं लगाती लोकल मेरे होंठ फूल जाते हैं। माँ जान आपकी बेटी हूँ, लोकल सामान थोड़ी इस्तेमाल करूंगी, ब्रांडेड है, फॉरेन से लेके आती हूँ। अच्छा बोले सुन देगी वो लोग क्या कहेंगे, मैं लेके आती हूँ अभी, आप बस तैयार हो। मेरे गुलाबी वाले बड़े वाले बॉल कहाँ हैं, खाने वाले? यही देखिए, निकाल। तो आज हमारी शादी की तारीख फाइनल हो रही है। लगता तो ऐसे है। मेरी तरफ से आपको एडवांस मुबारकबाद। आपको भी। वैसे हानिया आज तो आइसक्रीम बनती है। हाँ। लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल है। अरे है ना, हर मुश्किल की आसानी हमारा वो छोटा सा मिट्ठू जानी। मिट्ठू जानी अब चलाक हो गया है। ठीक है, आज से बड़ा वाला बर्गर खिला देंगे। अब वो बर्गर से नहीं मानता, ब्लैकमेल करने लगा है। What? वो छोटा सा मिट्ठू बेटा ब्लैकमेल करेगा? जी हाँ, वो इतना सा छोटू सा मिट्ठू बेटा अब बड़ा हो गया है। कहता है मम्मा को सब कुछ बता देगा। और तुम तो जानते हो ना हमजा, अगर मम्मा को सब कुछ पता चल गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर बता दे तो बता दे। वैसे भी अब तो हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है, शादी होने वाली है हमारी। ओ वो आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम, आइसक्रीम का प्लान डन है, चलते इंशाल्लाह अगले चांद की पहली तारीख को हम बारात लेकर आएंगे। मुबारक हो माँ जान। मुबारक हो माँ जान। मुबारक हो, मुबारक हो। मिठू जीती रहो पहले माँ जान। मुबारक हो। वैसे माँ जान आज आप बहुत ही हसीन लग रही हैं, बहुत ही प्यारी। हम बूढ़े होते जा रहे हैं और वक्त जैसे इन पर रुक सा गया है, और ये गुलाबी रंग की लिपस्टिक तो गजब ढा रही है आप पे। क्यों ज़ेबा, सही कह रही हूँ ना? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ जान वैसे आप अपना यूट्यूब का चैनल क्यों नहीं बना लेती? आपको तो इंस्टा का पेज पर फेसबुक अकाउंट भी बनाना चाहिए। अरे वो क्या होता है, उससे क्या होगा? एक नया मसला खड़ा होगा, पता नहीं किस किस को ऐड करेंगी। क्या करूँगी? इससे ये होगा, आप अपने यूट्यूब पर टोटको की वीडियो डालेंगे, जितने लोग आपको देखेंगे उनका भी फायदा होगा आपके टोटको वेयर से, और आपको घर बैठे बैठे इनकम भी आती रहेगी। इतना सा बच्चा है पर है बहुत काम का। अरे छोड़, यहाँ यहाँ मेरे पास बैठ, और तू वहां जाके बैठ, चल चल चल। हाँ जी, बता जरा मुझे ये कैसे करते हैं, और मुझे ये बता अगर मैं टोटको की बजाय अपने गाने की वीडियो डालूं तो कैसा रहेगा? मुझे टैग करना ना भूलिएगा, मेरे बहुत फॉलोअर हैं।
अरे तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपना पार्टनर है ना। हाय हाय, क्या मेरे फैन हुआ करते थे जवानी में, मेरे गाने के आशिक थे सारे। कहीं तो नीला थोथा और सिरका पी के मर भी गए, अल्लाह की कसम। क्या बताऊं, लो भैया भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो बेटा, जीते रहो जीते रहो। इधर आ मेरे पास भी, इतना प्यारा सा मेरा दूल्हा है। अरे मिठू, मुबारक हो तुम्हें। बर्गर खाओगे? नहीं। पिज़्ज़ा? कभी भी नहीं। तो फिर? मेरी खुराक थोड़ी बढ़ गई है। मिठू बेटा, चूरी उतनी ही खाओ जितनी हम खिला सके, समझो। मुझे फोन चाहिए, आप ही वाला। क्या? हाँ, बहन दे रहा हूँ अपनी, एक फोन नहीं दे सकते? अरे रुलाएगा क्या, फोन चाहिए तुझे? भाभी जान एक कॉल ले लो। डार्लिंग, तुमसे कहा था ना कि आज के दिन मैं बिजी हूँ, नहीं कर सकूंगा फोन। भाई मेरे बेटे की तारीख तय हो रही है। हाँ 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 सिद्दीकी, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे ना बुला शादी में। हाँ हाँ क्यों नहीं बुलाऊंगा। अच्छा फिर बात करते हैं, मेहमान बैठे घर में। खुदा हाफिज। चलो जैन साहब अंदर चलो, वरना फड़े जाओगे। इतने गौर की क्या देख रही है, मतलब की बात पे आए। तुमने हमजा से कैसे कहा? जुबान से। बहुत ज्यादा चल रही है ना ये, देख रही हूँ मैं। 15 दिनों की बात है, फिर नहीं देखनी पड़ेगी। और अब वैसे भी मैं बड़ा हो रही हूँ, जरूरतें भी बढ़ेंगी। पहले पिज्जा बर्गर पे आप टरहा देती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा डिजिटल साइड पे आऊंगा। और अब आप फोन लेके देती हैं या नहीं, वरना अम्मा को बताऊंगा। मिठू, तुम अपनी इकलौती बहन को ब्लैकमेल करोगे? बिल्कुल। मिठू के बच्चे, तुम जानते हो ना कि मेरा फोन कितना महंगा है। लगता है आपका जाने का मूड नहीं है। उन्हों के करती हूँ कुछ। हाँ हमजा बोलो। अच्छा ठीक है, हमजा का फोन था। क्या कह रहे थे? कह रहा था कि तुम्हारा काम हो गया। सच्ची? आप रेडी रहिए, मैं रस्ते क्लियर करके आया हूँ। कहाँ की तैयारी हो रही है? मामा वो मैं हम वॉक पे जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त तुम लोग वॉक पे जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी शादी है 15 दिन के बाद, चलकर देखो मेरे साथ टेलर ने कपड़े सही बनाए कि नहीं बनाए तुम्हारे। मामा वैसे भी 15 दिनों की बात है, आप एक साथ टाइम स्पेंड करने देना मुझे। बिल्कुल नहीं, मना कर दिया है ना मैंने, वैसे भी हमारा इलाका बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं हूँ ना, वैसे भी आप ही 15 दिनों के बाद चली जाएंगी, फिर आप उनको मिस करेंगी। हाँ ये तो है, बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनके जाने के बाद ना तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगे, है ना? अच्छा मुझे भूख लग रही है। तुम्हें बेवक भूख क्यों लगती है? अच्छा ठीक है मैं कुछ बनाती हूँ, तुम कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए बनाओ। मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ, ऐसे घर में बहुत काम पड़े हैं, थक जाओगी। अच्छा मम्मा मैं आपके रूम में सो जाऊँ? क्यों? मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा ना। तुम्हारे रूम का एसी हर वक्त खराब क्यों हो जाता है? पिछले हफ्ते तो ठीक कराया था मैंने। मैं अपने रूम से ना तकिया लेने जा रहा हूँ। सुनो ये तुम्हारा रूम गेट के करीब कब से हो गया? वो मैं गेट लॉक करने जा रहा था।
हाँ ठीक है, सही से लॉक कर देना, हालात बहुत खराब है आजकल। वैसे भी फोन देखभाल के लेना चाहिए। थैंक्स बोला इसने। थैंक्स? और ये बोल ही ना दे कहीं। थैंक्स मुझे नहीं, आपको बोला चाहिए, बहन दे रहा हूँ अपनी। अरे मिठू, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से कूद के थैंक्स निकलता है यार। आधे घंटे में वापस आ जाना, वरना मम्मा को मैं नहीं संभालूंगा, बता दूंगा सब कुछ। ठीक है। क्या है ये, तुम्हारा भाई तो लगता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा रिलैक्स, हम चले। चलो करे तुम चलो। आफ्टर यू। चार 25 हैं, इतने सारे लोग। कुमार, कोमल, 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 अरे ये स्टिक पकड़ा दे मुझे, गुसलखाने में जाना है। मत जाला करके, अरे ये मेरे लिए रखी इन्होंने, हाय मेरी खिदमत करेगी ये, ए मेरी खिदमत कर ही ना ले गई। कोमल, तुझे देखती हूँ, ठहर जा तू जरा। लाचार के साथ तू ये करेगी है, तेरे अपने नखरे नहीं खत्म होते। जी 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 माजन, कहाँ थी है? आवाजें दे दे के हलक खुश्क हो गया मेरा, मैं जैन से बात करती हूँ भाई। तेरा मेरा गुजारा नहीं है, तुझे यहाँ से फारिग करें बस भाई। नहीं 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 माजन, माजन ऐसे नहीं करें माजन, मैं ठीक तरीके से काम करूंगी, मुझे प्लीज मत निकालें प्लीज। नहीं नहीं माजन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी माजन। पीछे तो हट, ये जो तू लिपट चिपट रही है ना, इसमें भी तेरा ही फायदा है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। कैसे माजन? अरे लिपट चिपट से सारा परफ्यूम मेरा अपने पे लगाना चाहती है, हैं? सब तेरी चालाकियों से वाकिफ हूँ मैं। बस ठीक है भाई, अब मैंने फैसला कर लिया, वो ये है कि कुछ दिन के लिए तू अपने अम्मा अब्बा के घर जरा छुट्टी मना। देख मेरी बात सुन, तू मेरी बच्ची है, तुझे मैं प्यार करती हूँ बच्चियों की तरह, लेकिन अपनी बच्चियों में भी तो कमजोरियाँ होती है ना। तुझ में कमजोरी है, तू जरा मर्दों से जरा जल्दी फ्री हो जाती है, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं होता है। और यहाँ पर जैन का भाई शकील आ रहा है, जो लड़कियों को फंसाने में माहिर है, उसकी कमजोरी ये। तो मेरा क्या कसूर है भाई, इस उम्र में मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, सारे काम का छोड़ के तुम दोनों की रखवाली में लग जाऊं। इसलिए जैन से कहूंगी भाई मुझे कोई लड़का ला दे, चंद दिन की बात है, शादी के बाद तू वापस आ जाना। नहीं नहीं माजन, मैं प्रॉमिस है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं आपके साथ चिपकी रहूंगी, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी प्लीज। देख मेरी बात, तेरे फिल्मी अंदाज से मुझे बहुत डर लगता है, या ऊपर से तेरी ये लाल लिपस्टिक मेरी नकले करती है, सब जानती हूँ, बस तू जरा कुछ दिन को आराम कर गया। माजन, आपको पता है मेरा सिर्फ इतना सा एक शौक है, लेड लिपस्टिक मिटा दूंगी, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी जगह ब्राउन लगा लूंगी लिपस्टिक। माजन मुझे बस मत निकाले प्लीज, अगर मैं घर चले गई तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। चुप कर, देख मेरी बात, अगर तूने कोई हैंकी पैंकी की तो आई विल फायर यू, अंडरस्टैंड? फिर ना कहियो मुझे क्यों निकाला। चल हट, रास्ता देखो, सब खाने जाना है मुझे। हेलो, कैसी हो डार्लिंग? अरे तुम्हें पता तो है कि घर में शादी चल रही है,
इतने लोग हैं तुम सोच नहीं सकती, आड़ जाड़ लगी हुई है लोगों की, कैसे बात कर सकता हूं मैं तुमसे। अरे डार्लिंग तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। देखो हमने आइंदा की अपनी जिंदगी एक साथ गुजारनी है तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और जो जिंदगी मैं अब गुजार रहा हूं ना तो बस बहुत तकलीफ में हूं, मेरा दिल भर आता है, और ये सिर्फ बच्चों की वजह से है ना। अच्छा मेरे ख्याल से कोई आ रहा है, बाद में बात करूंगा। आई लव यू। कोई इस्तकबाल करेगा हमारा? देखो कोई है ही नहीं, शादी वाला घर तो लग ही नहीं रहा, दूर से सफर करके आए हो, कोई पानी तो पूछ ले। इतनी नाजुक कोमल, आप कौन? शकील। चुप शकील, माँ जान ने देख लिया ना तो अजाब आ जाएगा, मुझे जाने दे, छोड़ देना मुझे प्लीज, छोड़ देना। मैंने आपको गिरने से बचाया, लेकिन अगर माँ जान ने देख लिया तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। अगर मैं इतना बुरा हूं तो दुआ करो कि मैं मर जाऊं। कोमल क्या होगा क्या होगा पता नहीं अब क्या होगा। और मुझको साथ न पाओगे, झलक तो मुझे दिखाओगी। इतने सारे लोग पीछे आ रहे हैं, क्या इसका मकसद क्या है? पूछती हूँ कोमल से। कोमल, कोमल जी। माँ जान यहाँ जी। मैं मुझे ये बता कि ये फॉलोवर क्या होते हैं? फॉलो माँ जान, फॉलो का मतलब है कि किसी का पीछा करना। तो क्या पीछा करते करते घर आ जाएंगे? क्या मतलब? अरे ये जो लोग हैं, ये जो लोग मेरे फॉलो हैं कर रहे हैं मुझको। अरे माँ जान ऐसा इंटरनेट पर नहीं होता। अरे तो फायदा क्या इसका, क्या है ये, समझाना मुझे। मैं बताती हूँ। देखिए माँ जान, जैसे मशहूर लोग होते हैं ना, जैसे एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, तो आम लोग जो है ना वो नेट पर उनको फॉलो करते हैं। अरे मशहूर, अरे मशहूर तो मैं थी कभी कॉलेज के जमाने में, क्या ही गाती थी भाई, क्या कोयल की तरह आवाज थी मेरी, बारीक सी मासूम, कॉलेज के सारे लड़के आशिक थे आपकी आवाज के। अरे नहीं मेरी, अरे ऐसे बीच में बैठ जाया करती थी और इर्द गिर्द सब दायरा बना के बैठ जाते थे, सुनते थे और मैं गाती थी, ऐसी कोयल जैसी आवाज थी मेरी,
खुदा की कसम वो हमारा वो था ना कोको करीना। अरे नहीं, वो जब एक साथ लड़की लड़के पढ़ते हैं को एजुकेशन। वो था ना मॉडर्न जमाना था हमारा, एक साथ पढ़ना, बातें करना, ठट्ठे उड़ाना, कई पीरियड मिस कर दिए, पता ही नहीं चला, ऐसी मशहूर थी मैं। हाय हाय, क्या ही याद करा दिया तूने मुझे, कलेजा ही जल गया। जा एक ठंडी बोतल निकाल के ला फ्रिज से। ठंडी बोतल सुन, अगर ठंडी ना हो तो बर्फ डाल लीजिए। जी माँ। क्या जमाना था, कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब जल भी जाना। क्या? जल जाना। गिर गए। क्या कर रहे हैं? छोड़ी ना, कोई देख लेगा। दे ना। कोई नहीं देखेगा। टूट गया मेरा मोबाइल। टूट गया। कोई बात नहीं, मोबाइल है, टूट गया तो क्या हुआ? मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मेरा दिल बहुत कोमल है कोमल जी। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? हाय लम्या, मेरी मम्मी कितनी परेशान हो जाएंगी, मैं उनसे बात कैसे करूंगी, वो तो बिल्कुल घबरा जाएंगी। लम्या मैं क्या करूं? मैं हूं ना, मेरी वजह से टूटा है ना। मैं आपको नया फोन ला के दूंगी। कौन सा फोन चाहिए आपको? नहीं इट्स ओके, मैं सस्ते छोटे मोबाइल नहीं यूज करती। आपको कौन सा फोन चाहिए? टच स्क्रीन वाला। टच स्क्रीन वाला। मगर कैसे, कहां? रात को माँ जी के कमरे के पीछे जो दीवार है ना, वहां रख दूंगा, उठा लीजिएगा यार। नहीं, अगर किसी ने देख ले तो बड़ी बदनामी होगी। नहीं कोई नहीं देखेगा ना, मैं किसी को देखने नहीं दूंगा। एक बात कहूं? जी। आप वाकई बहुत कोमल हैं। शरारती चिप जाए यहां से। सुनिए जी, एक दफा पलट कर तो देखिए ना। मामा अब क्या करेंगे, इतना बड़ा मसला हो गया है। तुम्हारे पापा तो यकीन करने से रहे, शादी का घर है, इतने सारे काम पड़े, अभी नई नर्स का इंतजाम कैसे होगा इतनी जल्दी? क्या मतलब, आप कोमल को निकाल रही हैं? तुम्हारे चाचू को तो निकालने से रहे। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता, कौन रखेगा माँ जान का ख्याल? मुझे तो वैसे ही कॉलेज जाना होता है, मैं नहीं रख सकती, आप रख लेंगे उनका ख्याल? हैं? हाँ मेरी तो माँ है ना, लेकिन मैं कैसे संभालूंगी? कोमल तो रुक जाएगी, लेकिन ये चाचू को भी रोकना पड़ेगा। उसकी ठरक की सड़क तो कोई जगह ही नहीं दिखती। गुड़िया तो सोचो ना, कोमल को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, शादी वाला घर है, उसको तो हम कमरे तक भी नहीं रोक सकते। माँ जान को संभालना। कुछ सोचो बेटा। अच्छा ना करती हूँ, थोड़ा टाइम तो दो। अरे मेरा भाई, मेरा मिट्टू, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। क्या काम है? वो कितना जीनियस है मेरा भाई। एक साल में बहुत जीनियस हो गया हूँ मैं। कहाँ तक जाना? बस यही दही भले खाने जाना। घर के अंदर शादी की तैयारियां हो रही है और आपको दही भले खाने हैं? प्लीज मेरा प्यारा मिट्टू है ना, मेरा भाई है ना प्यारा। नहीं
नहीं तो नहीं कह सकता ना। कितना टाइम लगेगा? बस एक घंटा। यूं जाऊंगी यूं आऊंगी, लगता बात तो ही जाना है। लोग तो बहुत लूं, एक घंटा जाने में, एक घंटा आने में, उसके बाद 15 मिनट ऑर्डर दे दे, 20 मिनट खाने में भी तो कोल्ड ड्रिंक। भाई नहीं, मैं नहीं ये कर सकता। और हमजा है ना, उसकी फ्रेंड अमेरिका से आए हुए हैं, वो अभी चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। उनको प्लीज दही भले खाने का बहुत शौक है। अच्छा देखो, कुछ कुछ सोचते हैं। हाँ कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, प्लान करते हैं। हैदराबाद तक तो जा सकते हैं। हाँ, हैदराबाद परफेक्ट। सुन तो नहीं, लेकिन घड़ी पे टाइम देख के 45 मिनट्स। ठीक है, 5,000 निकाले। 5,000 किस चीज के? बाहर जाने। मिट्टू जी, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं। जाओ टाइम लेके आओ मेरा। मुश्किल से पैसे जमा किए थे मैंने, ये वक्त भी देखना था। क्या यार, इतनी देर लगा दी तुमने आने में। तो मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से आती हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुनाते हो। वैसे भी सिर्फ 45 मिनट है मेरे पास, और हमने सिर्फ बहादुराबाद तक जाना और फिर वापस आ जाना। बहादुराबाद? वहाँ पे तो हमारा भी घर है, बड़ा सा। वाकई? लेकिन तुमने पहले तो नहीं बताया। अच्छा एक काम करते हैं, आज हम वो देखते हैं। सिर्फ थोड़ी दिखा सकता हूँ भाई, है तो हमारा, लेकिन बाबा के दोस्त को रेंट पे दिया हुआ है ना, और उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ वहाँ पे। तो क्या फर्क पड़ता है, मालिक तो तुम ही हो, हम आराम से देख सकते हैं। कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, इस तरह नहीं जा सकते। तुम में होते हैं? एथिक्स हैं तभी तुम्हारे लिए ये दरवाजा खोल रहा हूँ। चलो बैठो। थैंक यू। अरे भाई, हमजा कहाँ गायब है सुबह से, नजर ही नहीं आया। ओ हाँ भाई, शादी हो रही है ना उनकी। अब तो वो बहुत कम नजर आएगा, गायब रहेगा। नहीं भाई, उसके फ्रेंड्स आए हुए ना बाहर से, उनके साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ है। शॉपिंग खत्म नहीं हुई अभी तक, तुम देख लेना, ये शादी के आखिरी दिन तक शॉपिंग में लगा रहेगा, और जिस दिन शादी होगी ये उस दिन गायब हो जाएगा और हम सब उसे ढूंढ रहे होंगे। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, यही तो दिन है उसके खेलने कूदने के। वैसे भी मैं हूँ, सारे काम देख लूंगा, परेशान मत हो। ये मोबाइल कंपनी वाले भी बहुत तंग करते हैं, दिन में सैकड़ों कॉले करते हैं कि ये पैकेज ले लीजिए, वो पैकेज ले लीजिए। भाई जो पैकेज चल रहा है, कम से कम उसका बैलेंस तो खत्म होने दो, मतलब उस पे भी टैक्स लगा देते हैं। अरे भाई साहब, वो बैलेंस से याद आया, वो शादी हॉल वाले का फोन आया था, मैं बाकी की पेमेंट भी कराया हूँ। अच्छा, अरे वाह, मेरा बड़ा अच्छा भाई है भाई तू, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अच्छा सुनो, तो भाई अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। क्या मतलब, अभी भी शादी कर रहा था है तुम्हारा? हाँ माजान, क्यों नहीं, मैं तो इससे कब से कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे घर में हमारे साथ शिफ्ट हो जाए, मेरे काम में भी हाथ बटाएगा, लेकिन ये मानता ही नहीं है। अरे जब वो मना कर रहा है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो, रहने दो ना। बस बहुत रह लिया अकेला इसने, भाई यहाँ सब है, यहाँ हमारे साथ रहे और काम में दिल लगाए। काम का तो खैर पता नहीं है, वैसे और बहुत सी बातों में दिल लग जाता है इसका। क्यों मियां शकील? अरे माजान, आप कभी गलत कह सकती हैं? अच्छा आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ दिल लगाने की कोशिश करता हूँ। ये हुई ना बात। कोमल कहाँ है? कोमल, ए कोमल, मैं देखूँ माजन? नहीं मैं बुला रही हूँ मैं उसे। कोमल, कोमल, लॉन में है, प्लीज सिचुएशन क्लियर करवा दो। मैं नोट में खा, मेरा मूड बन है। मिठू के बच्चे अभी जाते हुए तो 5,000 दिए थे, उसका क्या? वो ना जाने के थे, ये आने के हैं।
जाने के थे, ये आने के हैं। अच्छा ठीक है, तुम मम्मा को अपने पास बुलाओ, मैं दे दूंगी। माँ आपका खून आ रहा है। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। जाती तो मरे तुम्हारे दुश्मन नीली। नीली नहीं, कोमल नाम है मेरा। मेरे लिए तो तुम नीली ही हो कोमल। मेरा मोबाइल चेक किया था, टच है ना? हाँ टच है, और मैंने ना इसमें अपना नंबर भी फीड कर दिया है। तुम बस मुझे मिस कॉल देना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पास बैलेंस नहीं है। अरे मिस कॉल का बैलेंस तो होगा ना, इसमें क्यों रो रही हो? वो अच्छा ठीक है, ठीक है समझो हो गया। आप ना बहुत क्यूट है आप। अच्छा सुनो, वो मैं ये कह रहा था कि क्या कर रही है? देख लेगा ऐसे ऐसे, जब भी देखो आप क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा ऐसे जब भी देखो। नहीं तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? शर्म आती है मुझे। नहीं कह दो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इतनी जल्दी? नहीं अरे कह दो ना, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, कह दो। नहीं ना अभी थोड़ा सोचने का टाइम तो दे, इतनी जल्दी सब नहीं, नहीं इतनी जल्दी नहीं। अरे बोल दो भाई, मेरी जान लेकर बोलोगी क्या? ना मरे आपके दुश्मन दीना। अरे कोमल तुमने तो मुहावरा ही बदल दिया, मरे आपके दुश्मन भी ना। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम समझ क्यों नहीं हो? तुम भी तो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती हो। अरे तुम बात समझने की कोशिश किया करो, घर में बेटे की शादी चल रही है और तुम कह रही हो आते नहीं हो। मौका मिलेगा आ जाऊं। हाँ वो तुम्हारी भाभी आ गई जेबा। क्यों नहीं, अभी तक वैसे के वैसी है, हराम है जो तब्दीली कोई आई हो खूबसूरत। चलो बाद में बात करते हैं। हाँ सिद्दीकी था, सिद्दीकी इधर है। दो दो सिद्दीकी? आपका फोन बिजी आ रहा था, उन्होंने मुझे फोन किया। अबे उल्लू के पट्टे, ये जेबा के फोन पे फोन करने की क्या जरूरत थी? अरे इस औरत ने तो मेरी जिंदगी अजाब की दी अजाब। इस बार हर बार यही कहते हैं और फिर वही करते हैं। क्या करूं जेबा, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन सब में तुम्हें ही तलाश करता फिरता हूं। कहां चली गई हूं? दफन हो गई हूं, मर गई हूं, हो गई हूं, सामने बैठी हूं ना आपके,
दिन बाहर कहाँ तलाश करते फिर रहे? बताएं मुझे कितना तलाश करेंगे? क्या करूं ज़ेबा, मुझे मुझे सब में तुम ही नजर आती हो। ज़ैन साहब, मेरे जैसे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं मिलूंगी। प्लीज एक बार, आखिरी बार माफ कर दो। आई स्वेयर मैं तुम्हें आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारी कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे बालों की कसम। जान मत कहे मुझे जान, मेरी कसमें खा रहे ताकि मैं मर जाऊं, आपका रास्ता साफ हो जाए। मत खाए मेरी झूठी कसमें। ये मान से लास्ट टाइम, आखिरी बार, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो घर में शादी चल रही है, कुछ तो ख्याल करो। इसीलिए तो कह रही हूँ ज़ैन साहब, शर्म कर लें। बेटे की शादी चल रही है, जवान बेटी घर में है, और आपको मेरे जैसे के वापस सवारे। क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ जान। अरे ये क्या बोरियत फैलाई है, शादी के दिन है, कोई नाच, कोई गाना, कोई ढोल ढमक्का? माँ जान, अभी कोरियोग्राफर नहीं आया ना, इसलिए। हैं? कौन नहीं आया? डांस सिखाने वाले को कोरियोग्राफर कहते हैं, अभी आने वाला है। अब मर्द हुए आएंगे हमारी लड़कियों को डांस सिखाने? अरे परे हटो, क्या तुम्हारे डांस और क्या तुम्हारे गाने, वो तो हमारे हुआ करते थे। क्या नाच, क्या गाने, अब तो तुम्हारे पीटी डांस है 1 2 3 4। वैसे माँ जान, मैंने सुना है कि आपके जमाने में हीरो बहुत प्यारे हुआ करते थे, जैसे वहीद मुराद, नदीम। आपका फेवरेट कौन सा था? क्या याद करा दिया तूने, हाय हाय, सच में मुझे तो वो असलम परवेज बहुत पसंद थे। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ। अगर आप इस जमाने में पैदा होती तो फिर आप कौन से हीरो के साथ काम करती? इस जमाने? हाय वो इमरान नहीं, इमरान। अच्छा इमरान अशरफ, अरे दफा मार उसे, अरे वो तो भोला है। अरे वो हाशमियों का लड़का नहीं है? अरे क्या बेबाक लड़का है, प्यारा वो। चल दिखा मुझे ये क्या है। ये कैसे लग रहे हैं? ये तो स्टेज ऐसा बनेगा, राइट हैंड पे हम दुल्हन वालों के लिए। हाँ हाँ ठीक है ना पापा, माइयों पे मैं भी जाऊंगा ना। बेटा आप निकाह में हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि आप दूल्हा हैं, वहां आपकी जरूरत पड़ सकती है। क्या बात हुई पापा, मेरी शादी और मैं ही नहीं जा सकती? अरे भाई निकाह में ले तो जा रहे, तुम्हें अब क्या करें बताओ भाई से। वैसे चाचू आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई थोड़ी बहुत मोहब्बत वगैरह कहीं पे कुछ भी नहीं। ओ भाई प्यार इश्क और मोहब्बत में ना शादी वादी नहीं होती। तो भाई साहब की शादी वाले दिन जो दिल में डर बैठा था ना, वो जाता ही नहीं है। कौन सा डर, क्या हुआ था चाचू बताए? कुछ नहीं हुआ था यार, कुछ नहीं हुआ था। जो मैं बताया ना चाचू यार, प्लीज बताए यार। कुछ नहीं होता भाई साहब, असल में भाई साहब का जो मिजाज था ना वो शादी वाला नहीं था। इनको बड़ा झंझट लगती थी शादी, एंड शादी वाले दिन घर से भाग गए। नहीं भाई, अब्बा जान ने पकड़ लिया, उसके बाद वो लिट्रोल, वो लिट्रोल के मतलब शादी वाले दिन तो बताऊंगा तुझे, बताऊंगा मैं। देखा बेटा, इसलिए नहीं करता मैं शादी, बीवी से डरना पड़ता तो भी डरेगा। लग रहा है। माँ जान, वो एक बात पूछूं आपसे? पहले तू मुझे एक बात बता, ये बता कि ये सोती बातें क्या होती हैं? सोती? सूती ने ये देख, ये क्या लिखा है? अच्छा उर्दू में किया हुआ आपने, इसका मतलब होता है ऑडियो चैट, जैसे व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं ना आवाज वाले मैसेजेस वगैरह, तो इसको कहते हैं ऑडियो चैट। अच्छा चल छोड़, बाद में करूंगी। सही दबा रही हूँ ना? हाँ सही दबा रही है, आहिस्ता जरा थोड़ा। माँ जान वो
बात पूछनी थी आपसे। परफ्यूम ना मांगियो, बिल्कुल ना मांगियो परफ्यूम। नहीं नहीं, परफ्यूम नहीं चाहिए, छुट्टी चाहिए। हैं? क्या छुट्टी? अरे घर में शादी है, तू छुट्टी मांग रही? नानी, नानी जी। क्या हुआ, मर गई नानी? नहीं नहीं, ठीक है, बस बीमार है बहुत। तो छुट्टी चाहिए? पागल हो गई है, घर में शादी का समय है तो छुट्टी मांग रही है? नहीं नहीं, एक दिन के लिए नहीं जाना, मैं तो कुछ घंटों के लिए जाना है। मेरी नानी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे पाला पोसा, मैं इतने दिनों से मिलने भी नहीं गई। आपको देखती हूँ तो नानी याद आती है, नानी को देखती हूँ तो आप याद आती है, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट सी, छोटी छोटी आंखों वाली, इतनी बड़ी बड़ी सुंदर तो आप जैसी नहीं है, आप तो कितनी हसीन है। लेकिन मैं आपको देखती हूँ तो नानी मुझे नानी के पास जा रहे, थोड़ी देर के लिए आ जाओगी प्लीज? अच्छा 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 अच्छा, चली जाइयो चली जाइयो। ये पाँव पकड़, इसमें भी दवा। आए आए आहिस्ता, मेरा पाँव है खुदा के लिए। तुम्हें अपनी रेड शर्ट वाली सेल्फी भी भेजता हूँ, ठीक है? होल्ड करो। चाचू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? बैठो। वैसे आज ये रात कहाँ से होगी जो तुम्हें अपने चाचू से बात करनी है? वो एक्चुअली ना, अगर ये संजीदा नायक की बात ना होती ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ बताओ क्या बात है। वो चाचू, आप ना। बेटा बताओ ना, अपने चाचू को अपना दोस्त समझो, बताओ। आप ना वो उस कोमल से फ्लर्ट करना छोड़ दें। क्या? जी चाचू, आप तो चले जाएंगे, मसला हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। मैं और कोमल से फ्लर्ट? मैं कोमल? मोटी बद्दी खाली, मैं उससे फ्लर्ट करूंगा? जब वो रेड लिपस्टिक लगाती है ना, रेड, तो वो भैंस की पुप्पो लगती है वो, मैं उससे फ्लर्ट करूंगा। मैं जहाँ रहता हूँ ना, जिस इलाके में रहता हूँ, वहां पर अल्लड़ मुतियारे ना तुम्हारे चाचू पे फिदा है। लेकिन तुम्हारे चाचू किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता, क्योंकि तुम्हारे चाचू की बस एक ही पसंद है, फिल्म स्टार नीली। इतनी पसंद है मुझे, क्या अदाएं हैं उसकी, क्या स्टाइल है नीली। मैं कोमल। एक मिनट चाचू, एक फनी वीडियो है क्या? ये आप ही है ना? और ये वही कोमल? ये मुझे दो, तुम दो। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ। नहीं, बल्कि एक काम करूंगी, जो आपने ये भी इतनी सारी तारीफें की है ना उस कोमल के बारे में,
उसको सब फॉरवर्ड कर दूँ। सुन के कितना खुश होगी ना? मेरी बात सुनो, मेरे बेटा, मेरा बच्चा, तुम्हें जो चाहिए ना, मेरा वॉलेट, मेरा मोबाइल, वो सब ले लो, लेकिन ये डिलीट कर। तुम्हें पता है ना तुम्हारे चाचू की माशरे में कितनी इज्जत है ना? अच्छा, और जब आप उसको बाइक पे बिठा कर पार्क के चक्कर लगवा रहे थे, उसकी कोई इज्जत नहीं है? अरे बात को समझने की कोशिश करो ना, इसको डिलीट कर दो प्लीज मेरा बेटा। आप ना बस बाज आ जाए, वरना मैं बाबा से शिकायत कर दूँ। बाबा को मत बोलना, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। बताओ मुझे क्या करना। कुछ भी नहीं, बस आइंदा ख्याल रखिए। अरे बेटा मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, सुबह सुबह तुम्हें हलवा पूरी लाके दूंगा। चाचू मेरा नहीं, अपना। अच्छा बेटे, इसको डिलीट कर दो ना। कर दूंगी। अरे हाँ, वो सेल्फी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ भाई बेगम साहिबा, बेटे की शादी की सारी हसरतें पूरी हो गई ना तुम्हारी, कुछ रह तो नहीं गई? जी। अबे उल्लू के, ये लीजिए। ये सेवा के फोन पे फोन करने की क्या जरूरत थी? अरे इस औरत ने तो मेरी जिंदगी अजाब की दी, अजाब। मैं तो तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, सोच रहा हूँ कि अमेरिका वाली को ही पक्का कर लूँ, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और रोज रोज की झंझट से छुटकारा भी मिल जाएगा। पर हुआ क्या यार? अरे क्या नहीं हुआ यार, रोज रोज की चक चक, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो इतनी बातें मुझे सुनना पड़ती है, हालांकि मुझे इन लोगों को बातें सुनानी चाहिए। रोज शॉपिंग के लिए खर्चा चाहिए, ये खरीद लो वो खरीद लो, मशीन समझावा है मुझे, तंग आ गया हूँ मैं, ऊपर से शक की आदत। और तो और जब फोन पर किसी से बात करो तो सर पर सवार रहते हैं हर वक्त। शक करना बनता नहीं है भाभी का, अब उसके शक को यकीन में बदलना ही पड़ेगा। देख भाई, वीजा मेरे पास 5 साल का लगा हुआ है अमेरिका का, निकट लूंगा और फिर 5 स्टोर्स हैं 9 to 5 वाले और 3 पेट्रोल पंप। वाह भाई, तुम तो अभी भी जवान हो यार। मेरी तालीम, मेरी इंग्लिश का एक्सेंट और खानदानी दबदबे पर मरमिटी है वो। और मजे की बात यह है, आपके भाई ने ऑडियो कॉल पर ही उसको अपना दीवाना बना लिया है। अरे मरती है आपके भाई पर, 2 बार अस्पताल जा चुकी है मेरे चक्कर में, रोती है यार मेरे लिए। बहुत समझाया मैंने उसे कि नहीं ऐसा ना कर, पर ये इश्क तो पागल होता है ना, पागल है मेरे लिए। ये क्या रोज की ख्वारी, रोज के नखरे, तंग आ गया हूँ मैं इस गुलामी से। अब जाऊंगा मैं अमेरिका, वहां रहूंगा बादशाहों की तरह, और वो मेरी जान मेरी खिदमत करेगी, मेरी गुलामी करेगी हाथ बांध कर। स्पॉटलाइट नीचे लगाइएगा, दरी ऐसे लगाइए कि पत्थर किसी के पाँव में ना जाए। Thank you.
सेटअप चाहिए वरना मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे भी लाइट और फूल ना। आया क्या है मेरा प्यारा मिट्टू? आप एक दिन इंतजार नहीं कर सकते? चलो शाबाश, कुर्बान बताओ। आप नहीं चाहती आपका भाई रिश्वत से पाक साफ जिंदगी गुजारे? ज्यादा भाषण नहीं, जल्दी बताओ, वक्त कम है। आज आपकी माई है और थोड़ी देर में मेहमान भी आने वाली है, मैं उनको क्या कहूंगा कि मेरी आप ही अपनी माइयों के दिन भी। हे, ज्यादा फुटेज मत खींच, जल्दी बता। फुटेज खींच भी नहीं रहा, वैसे लैपटॉप भी चलेगा, डीएसएलआर भी, डीएसएलआर नहीं तो गोप्रो भी चलेगा। मेरी मिठू ने औकात देखी अपनी? मैं अपनी औकात नहीं, सामने वाले की औकात देख के बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास तो खजाने हैं ना, जिनका मुंह खुला हुआ है। हमजा भाई आपके लिए खजाने ही हैं एक तरह से, आप उनको कुछ भी बोलेंगी ये इनकी तरह आदर कर देंगे। वो तुम्हारे लिए नहीं कमाता, जिस दिन खुद कमाओगे ना पता चलेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर के पैसे इस तरीके से जाया। अभी घर से गई नहीं है, पहले ही अपने भाई को बुलाया कि लैपटॉप उठिया से लार के पीछे। ए ड्रामेबाज, मेरी बात सुन, नहीं जा रही मैं, बैठा रही यहीं पे फक्कड़ बनके, और देख लूंगी मैं तुझे। वैसे भी आज आपकी माई है, थोड़ी देर मेहमान भी आने वाले, मिल लीजिएगा। सारी खीर का मजा खराब कर दिया, कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया मैंने। हाँ मैं आ गया हूँ, बाहर जल्दी आओ। मैं नहीं आ सकती, मिठू बहुत फैल गया। क्या है, लैपटॉप दो या फिर डीएसएलआर? क्या ये मिठू अपने वजन से ज्यादा नहीं फैल रहा? मतलब लैपटॉप क्या करें? अच्छा मैं करती हूँ कुछ। अच्छा जो करना है बस जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर। आज क्या सोच रही थी कि वो जो तुम्हारा बड़े वाला घर है ना, आज जाके हम वो देखें। क्या पागल हो गया? अभी मेहमान आने वाले हैं माइयों के लिए, अभी कहाँ जाएंगे घर भर देखने के लिए? तो क्या हो गया इसके अंदर? वैसे भी हम जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, आ जाएंगे, और ऐसे में अभी बहुत टाइम है, प्लीज। वो गेस्ट हाउस को रेंट पे दिया हुआ है? रेंट पे ही दिया हुआ है तो तुम्हारा। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर तुम्हारा है ही नहीं, तभी तुम उसे झूठ बोल रहे हो और बार बार बहाने बना रहे हो। वो घर हमारा ही है, बस दिया हुआ हमने रेंट पे, तुम क्यों जिद कर रही हो बिला वजह? मैं जिद नहीं कर रही, जब मैं तुम्हारे लिए ऊपर से कूद के आ सकती हूँ तो तुम मुझे सिर्फ अपना घर क्यों नहीं दिखा सकते? अच्छा ठीक है, ओके मैं ले जाता हूँ। पक्का? That's like a good husband. आज मौसम कितना अच्छा है ना? बहुत। वापसी में हम गोला गंडा भी खाएंगे। आजू आजू आजू, अपना ही है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, मेरा ही बंदर मैं से बात करके बैठो, तो बैठो।
यार अभी छोटा सा इशू है कि मेरी होने वाली वाइफ है, इसको बस ऐसे घुमाने के लिए आया, मैक्सिमम 15-20 मिनट्स में निकल जाऊंगा। इसको बताना है कि मैंने थोड़ा ग्राउंड बनाया, ठीक है? कहाँ थे तुम इतनी देर लगा दी? कितने अजीब लोग हैं ये। ये हानिया, ये गेस्ट हाउस है ना भाई, गेस्ट हाउस में तो हर किस्म के लोग होते हैं। फिर भी ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। हर सर आपके रूम की चाबी। थैंक यू। थैंक रूम? हाँ क्यों? अरे वो तुमने तो खाता देखना है, तुम आओ दिखा दो ना, बेडरूम से शुरू करते हैं। अच्छा यार वापस चलते हैं। अरे क्यों, आए हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं ना। नहीं प्लीज, इधर आओ, बहुत ऑकवर्ड है। मेरी बात तो सुनो, इधर आओ, इधर बैठो, बैठो। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, उसी वक्त कह दिया था मैंने, शादी करूंगा तो बस तुमसे। किससे कहा था? खुद से। इतनी अच्छी लगी थी मैं तुम्हें। इतनी से भी ज्यादा। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी याद आए। अच्छा ये बताओ कि तुमने शादी के बाद क्या सोचा है, मतलब बच्चे वगैरह? तौबा करो अमिता। तौबा क्यों भाई, मैंने तो सोचा भाई हमारे ना कम से कम 5 बच्चे तो होने चाहिए। 5 बच्चे? हाँ तो पागल हो यार, मैं और मेरी बहन ना सिर्फ 2 बहन भाई, और मेरी जिंदगी भर ये ख्वाहिश थी कि और बहन भाई हो। अच्छा अगर फैमिली प्लानिंग वालों ने सुन लिया ना तो जेल में डाल देंगे। ऐसी की तहसीन फैमिली प्लानिंग वालों की। दरवाजा बंद करो, कोई फरार ना हो पाए। पता देखो, जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो। क्या बात हो गई सर? आप फिकर नहीं करो, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास सर्च वारंट है भाई, आप तबन करो हमारे साथ। सर ये हमारे डाटा है, हम नहीं देते आगे सर। ठीक हो गया, चलो सर्च करो यहाँ पे, एक एक कमरा, एक एक कोना कोना छापो। चलो आ जाओ मेरे साथ, सारे रूम चेक करो भाई। क्या कर लेंगे मेरा वो? कौन आ गया? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला नहीं तो तोड़ देंगे। सर्च करो जी, सर्च करो। तलाशी, तलाशी की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए आप। सर ये देखें, ये हमारा थोड़ी है। देखो तुम सर्च करो, अभी पता चल जाएगा। बाथरूम में तो कोई भी नहीं है। मैंने आपको कहा कोई है ही नहीं सर। सर ये देखिए। आ जाएं जी, आ जाएं, कुछ नहीं कहते हम। देखिए आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये बीवी है मेरी। अच्छा माइयों के जोड़े में किसी और की बीवी के साथ गेस्ट हाउस के कमरे में जोड़ा पकड़ा गया जी। बड़ी खबर है। किसी और की बीवी नहीं है, मेरी बीवी है ये। आप जानते नहीं है कौन हूं मैं? कौन हो तुम भाई? ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये मेरे पापा का है। अच्छा तुम्हारे बाप का है गेस्ट हाउस, तो अपने बाप को थाने बुलाओ। ले चलो इनको, ये इसके जोड़ों को डालो गाड़ी में, चलो चलो जी, चलो बस यार, लेके चलो, चलो चलो बैठ के बात करते हैं।
हेलो, जरा जोर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। असल में घर में शादी का हंगामा है। हेलो जी, जी जैनुल आबदीन बात कर रहा हूँ। जी हमजा जैन मेरा बेटा है। SHO क्या थाने में लड़की गेस्ट हाउस? अरे यकीन जानिए उसकी तो माइयों और ये शादी है उसकी। अच्छा, प्लीज मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, खुदा रा कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले मुझसे मुलाकात जरूर कर, कुछ ना कीजिएगा, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया भैया। पुलिस स्टेशन में, वो भी लड़की के साथ? अब्बा सारे लड़के एक जैसे होते हैं। बेचारी मेरी हानिया भाभी कितना प्यार करती है भैया से, और ये अबारा। अरे चुप करो, शादी वाला घर है, किसी ने सुन लिया? भैया की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, शादी वाला घर है। तुम यहाँ संभालो, किसी को पता ना चले। मैं थाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा? अपना मूड सही करो। हाँ शाबाश। मना भी किया था, मना किया था कि नहीं मिलना, लेकिन तुम्हों के सबर ही नहीं हो रहा था ना तुमसे। क्या क्या कहा तुमने? मना किया था? मैंने तुम्हें मना किया था? तुम्हें तो शौक हो रहा था ना बड़ा कर देखने का। देख लो बड़ा कर। तो कमरे में ले जाने का किसने कहा था? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों हुआ है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुम्हारे पापा का घर था ना, और ये सब लोग, तुम्हें कितना कहा था, सब लोग अच्छे नहीं है, अजीब से लोग है, लेकिन तुमने कभी मेरी कोई बात मानी है जो अब मान लेते? इससे पहले तुमने मेरी सारी बातें मानी है ना। कहा पिता रुक जाओ, शादी के बाद ले जाऊंगा, लेकिन तो ये सोच रही हूँ कि मामा का क्या होगा। जाओ यहाँ जाके बैठो वहाँ पे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। चुप कर चुप। ओए ओए बस करो, क्या बोला डाला हुआ, बैठ जाओ आराम से। वैसे माफ करना, बात तो शर्म की है, हम तो मजबूरी में ये बिजनेस करते हैं, लेकिन तुम तो अच्छे घर की लगती हो। उस बेचारे लड़के के बारे में सोचा, उसको तो बर्बाद ही कर दिया। अब कौन से लड़के? ये इसी से हो रही मेरी शादी। सर मैं जानता हूँ आपको, आपकी पोजीशन, आपकी स्टेटस से वाकिफ हूँ। जाने कहाँ जा रही है आज की नस्ल, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, और आजकल के हालात में गेस्ट हाउस के मामला किसी से छुपे तो नहीं है। और आपके बेटे ने हरकत भी बहुत अजीब की है, किसी की शादी से दुल्हन को भगा के गेस्ट हाउस ले गया। बताएं जरा। क्या बताऊं आपको, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। और आप यकीन जानिए, मेरे बेटे की आज माइयों है, मैं उसकी पसंद की शादी कर रहा हूँ, वो फिर भी वो किसी और लड़की के साथ गेस्ट हाउस में। सर दरअसल बात अब हमारे हाथ से निकल गई है, रिपोर्टर्स ने उन दोनों की तस्वीरें बना ली हैं, और आप तो जानते हैं आजकल सोशल मीडिया, अगर उनकी तस्वीरें कहीं छप गई आपकी इज्जत का तो जनाजा निकल जाए। अरे इंस्पेक्टर साहब ऐसी बातें मत करें, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, खानदानी हूँ, खुदा ना कुछ कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप। अच्छा अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी मिलवाते हैं आपको, आइए। हमजा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गलती हो गई पापा, सॉरी। गलती हो गई का बच्चा, तुमने जरा सा भी एक दफा भी सोचा कि तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजरेगी, और बेचारी बच्ची हानिया पर क्या गुजरेगी? अंकल
सानिया तुम यानी तुम दोनों गेस्ट हो। अरे आज माइयों है तुम दोनों की बेशर्मो। या मेरे अल्लाह होने वाला इंस्पेक्टर साहब यही हानिया है मेरी होने वाली बहू इसी से शादी है। सारे मेहमान घर में बैठे हुए पूरा घर भरा हुआ है क्या करें कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ओ अच्छा बेटे जी कल शादी है आपकी एक दिन की तो बात ही सबर कर लेते हैं। सर जी अभी हमें उन साफियों से तस्वीरें रुकवानी पड़ेंगी। बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत का सवाल है। आप हौसला रखें मैं उनसे बात करता हूँ। जरा सी भी शर्म नहीं आई और क्या क्या दिन दिखाएगा तू मुझे इस उम्र में। सॉरी का बच्चा। हानिया बेटी तुम ही थोड़ा सा ख्याल कर लेती हैं तुम भी। सॉरी अंकल आप प्लीज मम्मा को मत बताइएगा वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मम्मा को गेस्ट हाउस वाली बात बताने वाली है तो बताइएगा नहीं बताऊंगा। और तुम्हें नाच की पड़ी हुई है। आपने ही तो कहा था यहाँ पर संभालो सबको। मैं तो शर्मिंदगी की वजह से हानिया भाभी के पास तक नहीं गई। बेचारी वो क्या सोच रही होंगी एक तो पसंद से शादी की ऊपर से ये लड़के की अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। मैंने सोच लिया मैं शादी करूंगी तो आपकी और मामा की मर्जी से। चुप करो। हमजा के साथ हानिया ही थी रेस्ट हाउस में। अब थाने में है दोनों। हानिया भाभी हाय अल्लाह कितनी मासूम लगती थी वो इतनी सीधी और चंचल सी समझती थी मैं उनको लेकिन देखो जरा क्या निकली आज उनकी माइयों और वो भैया के साथ। ची 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 तौबा तौबा मैंने सोच लिया है बाबा मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद से करूंगी। चुप कर जा। बोलती रहती है मौका नहीं देती दूसरों को बोलने का। शादी करूंगी तो अपनी पसंद से करूंगी। अरे पहले ये मामला तो समझ जाए अब ये सोचो कि कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। डोंट वरी अंकल मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना कद देखा है तुम क्या संभाल लोगे। ट्रस्ट मी अंकल। अरे साहब आप तो खून पी गए। जी अस्सलाम वालेकुम मैसेज साहब। मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन आप खुद सोचिए 5 लाख या कुछ कैसे अरेंज हो सकते हैं। घर में कोई इतना कैश तो ही रखता है और बैंक बंद है हफ्ते की रात है। मैं मंडे को सारे पैसे आपको दे दूंगा। सर बात हाथ से निकल जाएगी आपकी इज्जत है माशरे में वरना आप जानते हैं मीडिया और रिपोर्टर्स समझ रहे हैं ना एक बंदे को हमने काबू किया हुआ है लेकिन सर दूसरा बहुत चालाक है। अगर डेटा इधर उधर हो गया तो सर फिर मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप समझ रहे ना मेरी बात को। सर उसको काबू में लाने के लिए सिर्फ 5 लाख की जरूरत है सर। सर अब आपके बेटे की हरकत और ये खबर भी तो ऐसी है ना सर आप जानते हैं। जी जी नहीं नहीं प्लीज आप थोड़ा सा वक्त दें मुझे मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ कुछ।
खुदा रहा, थोड़ा सा वक्त दे मुझे। ठीक है सर, मैं इंतजार करूँ क्योंकि सर गेम अब उन लोगों के हाथ में, आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सर। जी सर, मैं इंतजार करूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई साहब, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? नहीं भाभी, सब खैरियत है, लेकिन वो असल में हानिया बेटी का कुछ जेवर सोनार के पास था, 3-4 दिन से उसके पीछे लगा हुआ था, भाई दे दो। तो वो अभी तैयार हुआ है और उसका फोन आया कि जी वो उठा ले। अब वो कैश उसको 5 लाख रुपए देने हैं। अब आपको पता है इतना कैश कुछ जेब में रख के तो नहीं फिरता ना कोई। तो वो असल में बैंक का लिंक भी डाउन है। मैंने उससे कहा अगर बैंक का लिंक चल रहा होता तो मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। अब फौरी 5 लाख रुपए देने हैं और कल इतवार है। वो भाभी आपके पास थोड़ा बहुत कैश होगा? कुछ पैसे मेरे पास हैं, अगर हो जाए तो। मैं देखती हूँ, घर में कुछ कैश पड़ा हुआ है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? घर की बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बड़ी मेहरबानी। तेरा मियाँ भी नहीं आ रहा, अब रसम नहीं करनी, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, नाच भी लिया, बुला, मैं थक गई हूँ भाई। गया है, इतनी देर से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, खोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? सब मेहमान आ गए, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। सुनो, ये तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला है? वो हम लोगों ने ना इंटरनेट पे रिसर्च की थी, जो दुल्हन अपनी माइयों पे लंबा घूंघट पहनती है उसके साथ उसे बहुत प्यार करती है। क्या हो गया है तुम्हें, इस बच्चे की बातों में आ रही हो तुम? आप ही ने ना चुप रहने का रोजा रखा हुआ है। क्या? ये भी हम लोगों ने इंटरनेट पे ना रिसर्च की थी कि जो दूल्हे अपनी शादी पे चुप रहती है ना तो वो अपने ससुराल वालों की बोलती बंद कर देती है। तुम तो चुप ही करो, अब तुम जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तो थक गई, मैं तो कमर टूट गई नाच नाच के। अरे यो सीधी हो, कोई और काम ही नहीं इसको। अरे आ गई बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, आ गई। बहुत इंतजार करवाया तुमने। गुड़िया रानी शहजादी आ जाओ, बैठो माशाल्लाह। अरे ये इतना लंबा घूंघट क्यों दे दिया? हाँ चेहरा तो दिखाओ। माँ जान, हम लोगों ने इंटरनेट पे रिसर्च की थी, अगर आपने भी चेहरा देख लिया तो आपको दुल्हन बहुत तेज मिलेगी, मिर्ची की तरह। अरे चल पागल जैसा, और ऊपर से काला दुपट्टा, अरे बच्चगुनी होती, हटाओ इसे, चेहरा दिखाओ हमें। दादी अगर आपने अपना चेहरा देख लिया तो आपका चेहरा देख रहे सफेद लिबास में। अरे चल, बस कर रहे, चलो सही कह रहा होगा।
कोई बात नहीं, अभी अभी देख लेते हैं ठहर के प्यारी कितनी लग रही है माशाल्लाह। अरे तू तो हट, चलो सही कह रहा होगा, कोई बात नहीं। अरे खोल के बता, मुझे पता है कि घूंघट में कौन है, हमारी गुड़िया है ना। अगर ये घूंघट हट गया ना, सबको पता चल जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा करते हैं, डील कर लेते हैं, वरना मैं सबको बता दूंगा कि दुल्हन की जगह हमारी गुड़िया। ये तुम्हारा फोन मिला था मुझे सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ है, अगर लॉक ना होता ना तो मैं सबको डिलीट कर लेता। शाबाश। बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची। पूरे ना जनाब, पूरे। शुक्रिया, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देख लूंगा। बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब। हाँ बेटा, हाँ बस मैं 15 से 20 मिनट में लेकर आ रहा हूँ हानिया को। भाई इजाजत है सबकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे कितने प्यारे नन्ने नन्ने से हाथ हैं मेरी बच्ची के, बहुत प्यारे हैं। अरे क्या हो गया ये, एक तो घूंघट नहीं जा रही, ऊपर से इतनी खांसी, खांसी क्यों हो गई इसको, खैर तो है। अरे कहाँ लेके जा रहे तू, ये अजीब बात है भाई, ना चेहरा दिखा रहे हैं, ये कहाँ लेके जा रहे हैं। माँ जान बच्चे है ना, ऐसा तो करते ही है। मेरी बात सुन, ये देख ले जरा, पीस तो ठीक है ना, कहीं मुंह जला वाला तो नहीं दिया। अरे क्यों चुप रहूं, लड़की है हमारी, बहू है होने वाली हमारी, हमें हक है कि हम अच्छी तरह जाने के क्या है और क्या नहीं है। और ये जैन कहाँ है और गुड़िया कहाँ है, मैं तो बोर हो गई, ये क्या है, ये माइयों बेजार कर दिया उन्होंने पकड़ के। अच्छा ढोलक तो बजा दो तुम लोग। बेटा चढ़ जाओगी? जी अंकल। अरे वाह हमजा, हमारी होने वाली बहू तो एथलीट है भाई। जी बाबा। भाई बेजार हो गई मैं ईमान से, बहुत बेजार। आ गई। हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय सबके जो भाई, अब मेरी हो गई बस, अब मैं नहीं रह सकती। तू कहाँ गई थी? अब वो भैया के बगैर मजा नहीं आ रहा था ना, तो भैया को लेने गई थी। बस ठीक है, अब मुझसे सबर नहीं हो रहा, मैं तो भाई चेहरा देख के रहूंगी अपनी बच्ची का। बिस्मिल्लाह। आई अल्लाह, इतनी प्यारी इतनी प्यारी। अरे ऐसे छुपाया हुआ था तुम लोगों ने सबने। अरे आ जाना आ जाना माँ, सबके जाना, मेरे बच्चा इधर के बैठ, इतना प्यारा लगेगा। आ जाओ आ जाओ, मैं सबके जाऊँ है मेरे लाल। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना। भाई साहब वो लगे हाँ तो मेरे भी 3 बोल पढ़वा दे ताकि यहाँ रहने का बहाना बन जाए। किससे? मजान अगर आप इजाजत दें तो। चलो अब सब सेट हो ही चुका है तो मैं भी मम्मा को बता देती हूँ कि आप भी।